नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। करते हैं शुरुआत आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के मंडला से। मंडला नैनपुर तहसील के अंतर्गत रेलवे हाई स्कूल के अंदर भारत देश का सबसे जहरीला सांप इंडियन कॉमन करेट निकला, जिसकी जानकारी स्नेक एक्सपर्ट लाला जी द्वारा सर्पमित्र आकाश जी को दी गई। आकाश यादव ने घटना स्थल पर पहुंचकर सांप को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। स्नेक एक्सपर्ट ने आमजनों से अपील की कि सांप दिखाई देने पर स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर सूचित करें। पर मध्य प्रदेश के नारायणगंज मंडला से। सर्व आदिवासी सामाजिक संगठन के तत्वाधान में तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। उपस्थित पदाधिकारी के नाम ललित धुर्वे कोगो महासभा ब्लॉक कार्यवाहक, धर्म मरावी ब्लॉक अध्यक्ष कोगो महासभा नैन सिंह, मरावी ब्लॉक सचिव कोगो महासभा गोपाल उर्रत जयेश, प्रदेश उपाध्यक्ष जनक वरकड़े, जयेश ब्लॉक अध्यक्ष राहुल धूमकेती, जीएस ब्लॉक अध्यक्ष ब्रजेश सिंह, जीएसयू जिला अध्यक्ष बंजारी लाल सरवटे, जनपद सदस्य बलराम मरकाम वरिष्ठ समाज सेवी, लखन मरकाम वरिष्ठ समाज सेवी, पन्ना मतराम वरिष्ठ समाज सेवी उपस्थित रहे। सुप्रीम पावर न्यूज के नारायणगंज मंडला से अनिल रजक की रिपोर्ट।